होने दो चिकी। अकड़ू तुम्हारे लिए खबर है। हाँ शेर खान तुम्हें ढूंढ रहा है, मुझे लगता है उसे मालूम है कि तुम यहाँ हो। क्या? वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे नहीं छोड़ेगा, आने दो सामने। अकड़ू अब वो मुझसे बच नहीं सकता। बोलो हम क्या करें तुम्हारे लिए? मुझे सरपंच से मिलना है, लाओगे उसे? मुझे उससे कुछ पूछना है। ठीक है, मैं कल या परसों रात उसे जरूर ले आऊंगा। सरपंच जरूर कोई अच्छी राय देगा। अरे मेरे पीछे क्यों छुपती हो? कहीं और जाके छुपो। अरे जंगली लड़का, चलो वापस चलते हैं। अरे बाप रे मोगली। राधा काम खत्म हो गया, अब घर चलें? चलते हैं। कुछ सुना तुमने? क्या? वो बोलो बलदेव के बारे में, उसका सांप था ना? हाँ था। वो मर गया, बलदेव कहता है उसे किसी ने आधी रात को मार डाला। वो गांव की चौपाल पर खड़ा चिल्ला रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा एक भेड़िये ने उसके सांप पर हमला किया है। हाँ हाँ भयानक भेड़िया जिससे सब परेशान है। देखो अपनी आँखों से देखो, है ना मेरा सांप? मैं फिर कहता हूँ, एक शैतान भेड़िये ने मेरे सांप को मार डाला, मैंने खुद देखा। वो भेड़िया इतना लंबा चौड़ा था कि मैं बता नहीं सकता। बहुत जालिम भेड़िया था, अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरे पोते से पूछो, उसने भी देखा। देखा था ना? जानते हो वो भेड़िया यहाँ क्यों आया था? अपने दोस्त से मिलने, और उसका दोस्त कोई और नहीं वही जंगली लड़का है जो संजय के घर में आया है। उसने मेरा नाम लिया? हाँ वो गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काना चाहता है। तुम्हें सावधान रहना होगा मोगली, बलदेव बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उससे दूर ही रहो। देखो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, मगर ये शेर का शिकार करना पागलपन है मोगली। उसे लड़ना ही होगा, क्योंकि बलदेव को यकीन नहीं मोगली शेर से लड़ा था, अपनी इज्जत के लिए इसे फिर लड़ना होगा। राधा तुम बीच में मत बोलो, जानती हो शेर कितना खतरनाक जानवर होता है? राधा बेटी तुम यहाँ हो। आपकी गलती है पिताजी, आप मुगली को मशाल से लड़ना सिखा रहे हैं। मशाल से शेर कभी काबू हुआ है? बोलो संजय, अब तुम ही मुगली को समझा सकते हो। उषा ठीक कहती है मुगली, शेर के सामने आदमी की क्या बिसात। लेकिन एक बात और है जो तुमसे कहनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी? उषा और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहते हैं, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं शेर से लड़ने का इरादा छोड़ दो। विष्णु की तरह हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। मोगली तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमारा बेटा लौट आया है, अच्छा या बुरा मुझे ऐसा लगता है तुम ही मेरा खून हो। उस शेर से मत लड़ो। मैं दोबारा अपना बेटा नहीं खोना चाहती। मान जाओ बेटा, उस शेर से मत लड़ो, मान जाओ। ओ मोगली।
माँ मुझे माफ कर दो, तुम ठीक ही कह रही थी। बिना सोचे समझे मैं मोगली को लड़ने के लिए उकसा रही थी, नहीं जानती थी परिणाम क्या होगा। अब ऐसे गलती दोबारा नहीं करूंगी। सुनो मोगली, अब तुम हम में से एक हो। आज से तुम्हारे दो परिवार हैं, एक यहाँ एक जंगल में। और सुनो मोगली, आज से मैं तुम्हें सिर्फ अपना बहादुर दोस्त नहीं समझूंगा बल्कि अपना पोता समझूंगा। काश हम तुम्हारे बारे में और कुछ जान पाते। हमें पूरी कहानी सुनाओ मोगली, तुम्हारे उस शेर के साथ क्या दुश्मनी है, तुम उससे लड़ना चाहते हो क्या? हाँ ये सच है? हाँ सच है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आपने मुझे बहुत प्यार दिया। ओ मोगली, बस ठीक है। अब बोलो मोगली, क्या कहानी है? बहुत पुरानी बात है, जब मैं बच्चा था शेर खान मेरा शिकार करना चाहता था। मेरे पिता मुझे उससे हमेशा दूर रखते थे, लेकिन एक दिन मौका पाकर उसने मेरे पिताजी को मार डाला। क्या मार डाला? मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे। एक दिन हम आग से बच के भाग रहे थे। क्या चाहिए तुम्हें? मोती, आदमी का बच्चा दे दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। झुंड का नेतृत्व तुम करोगे। नहीं पिताजी। भाग जाओ। खबरदार। मोगली को यहाँ से ले जाओ। पिताजी नहीं। आओ मेरे साथ। सरपंच रुक जा। नहीं मोगली, ये असंभव है। तुम्हें वापस ले जाना खतरे से खाली नहीं। तुम नहीं जा सकते। मैं मोती के आदेश का अनादर नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करो, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। पिताजी। वो मर गए, मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। अब बोलो क्या करूं मैं? मोगली, अब इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ऐसी बात है मोगली, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मैं उससे जरूर लड़ूंगा, अपने भाइयों के लिए, माँ के लिए, तुम्हारे लिए, राधा के लिए। तुम कितने बहादुर हो मोगली, तुमने कितनी मुसीबतों का सामना किया है। शेर खान अब कभी भी किसी की खुशियां नहीं छीन सकेगा। रो मत माँ। देखना माँ, मेरे चाकू से शेर खान बच नहीं पाएगा। मैं बहादुरी से उसका सामना करूंगा और मेरे जंगल के दोस्त भी मेरी मदद करेंगे। हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वादा करो तुम सावधान रहोगे मोगली, जल्दबाजी में अपनी जान खतरे में मत डाल लेना। तुम्हारी जुदाई मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वादा करता हूँ माँ। सुनो मोगली, उषा ठीक कह रही है।
निश्चित हार से भागना बुजदिले नहीं अकलबंदी है, समझे? हाँ, आज नहीं जीते तो कल जरूर जीतेंगे। मुझे भी वादा करो, वादा करो कि सावधान रहोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ सावधान रहूँगा, ठीक है? हाँ। शाबाश, बहुत अच्छे, और तेज भागो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भागो और तेज भागो, तुम्हें शेर जितना तेज दौड़ना है। आहा, जब तुम सीख जाओगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, तेज और तेज, हाँ ऐसे ही भागते रहो, बहुत अच्छे, तुम धीरे क्यों हो गए, भागो और तेज, भागो, भागते रहो, हाँ भागो तेज और तेज। अभी से थक गए, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत अकड़ रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दादाजी ये देखिए, ये कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है बेटी, ये ठीक काम है। लो, हाँ मेरे ख्याल से अब ये काफी है। क्या ये सच है कि एक बार मशाले जला दे तो फिर बुझा नहीं सकते? बिल्कुल सच है बेटी, इन्हें कितना भी घुमाओ बुझती नहीं है। इसका मतलब शेर से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली हथियार होगा मोगली के पास। हाँ, आग से सभी जानवर डरते हैं। सुनो मोगली, तुम आ गए अकड़ू, लेकिन सरपंच कहाँ है? वो यही है मोगली, सूंघ के देखो। हाँ, पकड़ू सरपंच। कैसे हो मोगली, तुमने मुझे बुलाया और मैं चला आया। क्या हुआ है हमारे प्यारे शिष्य को, देखो बघीरा भी आया है। बघीरा? हाँ, हाँ। पकड़ू, तुम्हारी याद आ रही थी। लेकिन मोगली बड़ी अजीब सी गंध आ रही है। हाँ मोगली, मनुष्यों की गंध के अलावा आग जलने की गंध भी आ रही है। हाँ, ये सब क्या है मोगली? हाँ हाँ पकड़ू, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। हाँ मोगली, पहले मेरी बात सुनो, माँ ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। माँ ने मेरे लिए? हाँ, माँ ने तुम्हें वापस घर बुलाया है, वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ शेर खान से लड़ो। माँ को बहुत चिंता लगी है मोगली, कहती है अगर शेर खान से लड़ना हो तो जंगल में आकर लड़ो, जहाँ हम सब तुम्हारी मदद कर सके, ठीक है ना मोगली? वो तो ठीक है पकड़ू, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगा, मेरी वजह से झुंड को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप सब जो यहाँ हैं वही काफी हैं। अब बताओ मुझे तुमने क्यों बुलवाया? मुझे तुम्हारी राय लेनी थी सरपंच, तुम सबको जानते हो, मेरे दोस्तों ने मुझे आग से लड़ना सिखाया है। आग के साथ? हाँ, इसके अलावा एक और चीज से लड़ना सिखाया है, इस चाकू और आग से मैं शेर खान को आसानी से हरा दूंगा। आग और चाकू बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, शेर खान बच नहीं सकता। मशाल में बहुत शक्ति है, इससे तुम शेर खान को निकट आने से रोक सकते हो, मगर सिर्फ मशाल से तुम शेर खान को हरा नहीं सकते मोगली। ये चाकू भी है मेरे पास, मगर उससे लड़ने के लिए तुम्हें सही जगह चुननी होगी। ऐसा हो सकता है,
एक बात जरूर है, अगर हमने सही जगह का चुनाव नहीं किया तो शेर खान भाग सकता है। अच्छा सुनो, बहुत पुरानी बात है, का ने शेर खान के लिए जाल बिछाया था, बहुत अच्छी योजना थी उसकी, हम भी वही करेंगे। ठीक है, हमारे मिलने का कुछ फायदा तो हुआ। क्यों मोगली, मैं का से मिलकर सारी योजना पर फिर से विचार करता हूँ। ठीक है, अब चलो। शरीर भले ही बुढ़ा है लेकिन दिमाग कमाल का है। अच्छा मोगली, तुम्हें क्या करना है? कल रात तुम्हारे लिए संदेशा भेज दिया जाएगा। शुक्रिया सरपंच, कल मेरी बारी है, कल इसी समय इसी जगह तुम्हें संदेशा दूंगा मोगली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पकड़ू। सरपंच को बुलाकर तुमने काफी समझदारी का काम किया है, चलता हूँ। ठीक है। हाँ वो आ गया। हम सब कितनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कल रात तुम मोगली से मिलने गए थे सरपंच, क्या तुम्हें कोई पुरानी तरकीब सूझी थी? और तुम जानते हो ना, मैं कभी कोई योजना भूलता नहीं। बोलो दोस्त, शेर को पकड़ने की क्या योजना थी? हंसने की क्या बात है, मैं तो का की परीक्षा ले रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है सरपंच। अच्छा, कहीं तुम नीली नदी वाली लड़ाई की बात तो नहीं कर रहे सरपंच? वही। ये तो बहुत पुरानी बात है, पर भालू तुम भी तो हमारे साथ थे। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, हमने उसे घाटी की तरफ ले जाकर घेर लिया था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। क्योंकि सामने चट्टान थी, वो बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हाँ, और शायद यही तरकीब फिर काम आ जाए, किसी तरह शेर खान को फुसला कर ऊपर चट्टानों से होते हुए घाटी में ले आए। बहुत अच्छे, तो बात पक्की, अगर सबको मंजूर है तो इसी योजना पर हम काम करेंगे। हंसने की क्या बात है, मैं तो का की परीक्षा ले रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है सरपंच। अच्छा, कहीं तुम नीली नदी वाली लड़ाई की बात तो नहीं कर रहे सरपंच? वही। ये तो बहुत पुरानी बात है, पर भालू तुम भी तो हमारे साथ थे। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, हमने उसे घाटी की तरफ ले जाकर घेर लिया था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। क्योंकि सामने चट्टान थी, वो बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हाँ, और शायद यही तरकीब फिर काम आ जाए, किसी तरह शेर खान को फुसलाकर ऊपर चट्टानों से होते हुए घाटी में ले आए। बहुत अच्छे, तो बात पक्की, अगर सबको मंजूर है तो इसी योजना पर हम काम करेंगे। बढ़िया, मैं भी साथ हूँ सरपंच, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, हर कदम पर मोगली का साथ दूंगा। ये हुई ना बात भालू, मैं सोचता था हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब लगता है जरूर करेंगे। किस्मत ने साथ दिया तो बहुत मजा आएगा। बगीरा। तो तुम यहाँ हो बगीरा? क्या बात है चील? शेर खान कहीं गायब हो गया है। हाँ क्या? जैसा तुमने कहा था बघीरा, मैं उसकी निगरानी कर रहा था, लेकिन आज सुबह वो नदी के किनारे से अचानक गायब हो गया। नदी के पास मनुष्यों के गांव जा रहा होगा, पहुंच भी गया होगा। इतनी जल्दी नहीं, गांव बहुत दूर है, वो अभी रास्ते में ही होगा। बिल्कुल ठीक चील, मैं जा रहा हूँ, नदी में तैर कर सबसे तेज पहुँच जाऊंगा, फटाफट शेर खान का पता लगाता हूँ। अकड़ू पकड़ो, देख क्या रहे हो, ये समय गवाने का नहीं, अब जल्दी जाओ। हम जाएं, मगर कहाँ? और कहाँ जाओगे, मोगली को बताने जाओ।
उसे सतर्क रहने को कहो। शेर खान गायब हो गया, उसी तरफ आ रहा होगा। ठीक है, मैं ऊपर से शेर खान को ढूंढता हूँ, तुम नीचे देखो। कहाँ गया? उसे जमीन चाट गई या आसमान निकल गया? गायब हो गया? हाँ। लेकिन कहाँ कहाँ गया है वो? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो इसी इलाके में है। का उसे ढूंढने के लिए गया है? वो तुरंत हमला तो नहीं करेगा, मगर सरपंच ने सतर्क रहने के लिए कहा है। आने दो शेर खान को, मैं उसे अकेले ही खत्म कर दूंगा। नहीं मोगली, ऐसी बात क्यों सोचते हो? हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जो भी होगा पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे भाई हैं, मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे। बिल्कुल ठीक, शेर खान को तुम तक पहुंचने के लिए पहले हमारा सामना करना होगा। समझ गया। हम तीनों बहादुर मोती और चमेली के बेटे हैं। अब चाहे कुछ भी हो मोगली, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अकड़ू पकड़ू हा? शुक्रिया हा?